अब तक तो आपने भी हजारों बार बचपन का प्यार गाना गा लिया होगा और सुन तो जरूर लिया होगा, लेकिन फिर भी आप इस मासूम बच्चे की आवाज से बो नहीं हुए होंगे। सहदेव नाम के इस बच्चे ने अपने इस गाने से पूरे देश की जनता को दीवाना बना दिया है। नेता अभिनेता से लेकर घर घर में सहदेव के बचपन का प्यार गाने की आवाज सुनाई दे रही है। इस गाने से एक रात में ये बच्चा सुपरस्टार बन गया। लोग बच्चे के बारे में जानना चाह रहे हैं। सहदेव अब तक कई न्यूज चैनल पर जाकर इंटरव्यू दे चुके हैं। इतना ही नहीं, मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह ने भी बचपन का प्यार फेमस सहदेव को बुलाया और गाना रिकॉर्ड करवाया। जल्दी सहदेव का बादशाह के साथ गाना रिलीज होने वाला है कि अब बाकी शो भी टीआरपी के लिए बड़ा फायदा उठाने में लगे हैं। जी हां, इंडियन आइडल ने भी सहदेव को अपने शो में बुलाकर टीआरपी की जुगाड़ लगवानी चाहिए। हर बार की तरह इंडियन आइडल टीआरपी के लिए ये फायदा छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अक्सर इस शो में किसी न किसी ऐसे स्टार को बुलाया जाता है जो परेशानी से गुजर रहा हो, आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो, और फिर वो इस शो के जरिए अपनी दर्द भरी कहानी सुनाता है और शो को टीआरपी मिलती है। नेहा कक्कर अब तक फरमानी नाज, संतोष आनंद जैसे लोगों को बुलाकर उनकी पैसों से मदद कर चुकी है और उनकी खिल्ली भी उड़ चुकी है। हाल ही में नेहा कक्कर की बहन सोनू कक्कर ने भी इंडियन आइडल के सेट पर एक शख्स को बुलाकर पैसों की मदद की थी और डोनेट की गई धनराशि का चेक भी साफ साफ कैमरे को दिखाया था। सोनू कक्कर का ये बर्ताव लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इस बार फिर से कुछ ऐसा ही इस बच्चे के साथ होने वाला है। कुछ यूजर्स का कहना है कि फिर से सहदेव जैसे मासूम बच्चे को मोहरा बनाकर ये शो टीआरपी लेगा। अब की बार इस बच्चे को कितने का चेक दिया जाएगा? फोटो तो आप लोग दिखाई देते हैं एक तरह से, या कैमरे के सामने मदद के बहाने लोगों की भावनाओं का मजाक बनाया जाता है। कुछ यूजर्स का कहना है कि अगर मदद करनी ही है तो बिना कैमरे के भी कर सकते हैं, लेकिन ये शो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वेल, आप इस बच्चे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बच्चे की जो फोटो वायरल हो रही है उसमें वो इंडियन आइडल के सेट पर खड़ा नजर आ रहा है। हो सकता है कि मेकर सहदेव को मंच पर ही बचपन का प्यार गाने का मौका दे दें। ये भी हो सकता है कि सहदेव पवनदीप राजन के साथ गाना गाएं। बताया तो जा रहा है कि सहदेव पवनदीप और अनुनीता दोनों के साथ गाना गाने वाले हैं। तो अगला एपिसोड आपके लिए बहुत दिलचस्प होने वाला है। शो के लिए नहीं तो कम से कम सहदेव के लिए ये एपिसोड जरूर देखें। टीवी इंडस्ट्री के चर्चित सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 का ग्रैंड फिनाले 15 अगस्त को होने जा रहा है। ऐसे में शो में बचे हुए 6 सिंगर्स एक के बाद एक धांसू परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बीते एपिसोड में 90 के दशक के सुपरहिट सिंगर्स सानू कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की जोड़ी स्पेशल गेस्ट के तौर पर दिखाई दी। बीते एपिसोड में पवनदीप राजन ने तू ही रे गाने पर परफॉर्मेंस किया और दर्शकों का मन ही खुश कर दिया। बेशक फैंस इस उम्मीद में थे कि जजेस भी जी भर कर पवनदीप की तारीफ करने वाले हैं और उन्हें मौसम बदल दिया टैग से प्रेजेंट भी करेंगे, लेकिन हैरानी की बात तो यही रही कि किसी जज ने उन्हें इस टैग से प्रेजेंट नहीं किया। और जैसे ही अनुनीता कांचीलाल की परफॉर्मेंस हुई, सभी जज ने उन्हें ये टैग दिया। एक तरह से दर्शकों को ये पक्षपात लगा, उन्होंने सभी जजेस की बखिया ही उखेड़ दी। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, अगर आप किसी फीमेल कंटेस्टेंट को विनर बनाना ही चाहते हैं तो इतना सब ड्रामा क्यों करना। याद रखें, आप भगवान की इच्छा को नहीं बदल सकते, पवनदीप राजन की नियति नहीं बदल सकते। भले ही आप पवनदीप राजन को यहाँ पर विनर ना बनाएं, लेकिन वो देश भर के विनर हैं। लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं, उनकी आवाज को खूब पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, यूजर्स ने हिमेश रेशमिया और गेस्ट बनकर आए अनु मलिक को खूब खरी खोटी सुनाई। हिमेश रेशमिया से यूजर्स ने ऐसी गंदी बातें कही कि वो वहीं रो देंगे। जिस तरह से शो में पार्शियलिटी की जा रही है, वो सब फैंस को बिल्कुल रास नहीं आ रही है और लोग ये शो बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं। वेल, आप इस शो को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ दिग्गज स्टार्स दुनिया से तो चले गए, लेकिन वो इंडस्ट्री में एक बड़ी छाप छोड़कर गए हैं जिन्हें लोग हमेशा याद करेंगे। या तो आपको पिछले कुछ सालों से इंडस्ट्री में तबाही मची हुई है। इरफान, ऋषि कपूर, सरोज खान, दिव्या जैसे स्टार्स के जाने की खबर से अभी भी लोग उभर नहीं पाए हैं। और एक बार फिर से ऋषि कपूर का जब जिक्र हुआ तो हर कोई रो आया। रणधीर कपूर तक अपने भाई ऋषि कपूर को याद कर खूब रोए। दरअसल टीवी के फेमस सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के ग्रैंड फिनाले की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस हफ्ते इंडियन आइडल 12 के एपिसोड में दिग्गज एक्टर रणधीर कपूर स्पेशल गेस्ट के तौर पर दिखाई दिए। शो में मौजूद सभी कंटेस्टेंट ने अपने म्यूजिक के माध्यम से कपूर परिवार की विरासत का जश्न मनाया
और दमदार प्रदर्शन किया। ऐसे में पवनदीप राजन की परफॉर्मेंस ने रणधीर की आंखों को नम कर दिया। पवनदीप राजन ने राज कपूर की फिल्म जोकर का एक मशहूर गाना जीना यहाँ मरना यहाँ गाया। उनकी परफॉर्मेंस दौरान बैकग्राउंड में रणधीर कपूर, राजीव कपूर, ऋषि कपूर और उनके पिता राज कपूर की फोटो दिखाई दी। ये देखने पर रणधीर कपूर अपने आंखों के आंसू रोक ही नहीं पाए। वो भावुक हो गए और बुरी तरह रोने लगे। उन्होंने कहा कि इससे यादें ताजा हो गई। इन तस्वीरों ने मुझे मेरे उन भाइयों की याद दिला दी जो हाल ही में हमें छोड़कर चले गए। वो यहाँ भी हैं। मुझे आशा है कि वो सभी खुश हैं और सुरक्षित होंगे। शुक्रिया पवन ये श्रद्धांजलि देने के लिए। बीते साल अप्रैल 2020 में कैंसर से 2 साल की लड़ाई के बाद ऋषि कपूर का निधन हो गया था। उनकी मौत के कुछ महीने बाद राजीव कपूर का भी निधन हो गया। फरवरी 2021 में उन्हें अटैक पड़ा था। इंडियन आइडल 12 की बात करें तो इस शो का ग्रैंड फिनाले लगभग 12 घंटों तक चलने वाला है। मेकर्स इसे और बड़ा बनाने की तैयारी में जुटे हैं। दर्शक भी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि इस शो का ताज किसके सिर पर सजेगा। सभी कंटेस्टेंट हर एपिसोड के साथ एक के बाद एक दमदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इंडियन आइडल 12 के मशहूर कंटेस्टेंट पवनदीप राजन की उस वक्त हालत खराब हो गई जब वो गाना गाते गाते भूल गए, वहीं रुक गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई है और अब वो अपना गाना गाने का सपना भूल ही जाएं। वो पूरा नहीं कर पाए, वो बहुत आगे पहुंच गए थे लेकिन एक मिस्टेक ने उनका सपना चूर चूर कर दिया। ये सब चीजें पवनदीप राजन के दिमाग में आने लगी, तभी उनकी घबराहट देखने लायक थी। वो स्टेज पर कांपने लगे, ऐसा लग रहा था पवनदीप यहीं पर गिर जाएंगे। तभी उनकी क्लोज फ्रेंड अरुणिता ने उन्हें संभाला। सुरताल से लेकर गाने के बोल, कहीं पर भी एक भी गलती ना करने वाले पवनदीप राजन एक एपिसोड में परफॉर्मेंस के बीच ही रुक गए। जी हाँ, एक तरह से पवनदीप को अपना गाना अधूरा छोड़ते हुए देख जजों के साथ सभी को काफी बड़ा झटका लगा। हालांकि अभी तक इसके पीछे की वजह पता नहीं चली है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि 4 हफ्ते पहले सवाई भट्ट के साथ बॉटम 2 में पहुंचे हुए पवनदीप को ये गलती काफी महंगी पड़ सकती है। 80 के दशक की मशहूर जोड़ी धर्मेंद्र और अनीता राज के सामने पवनदीप होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो गाने पर परफॉर्मेंस कर रहे थे। फिल्म प्रेम गीत का ये गाना राज बब्बर और अनीता राज पर फिल्माया गया था। जगजीत सिंह का गाया हुआ ये गाना पवनदीप राजन काफी खूबसूरती से मंच पर पेश कर रहे थे। उनकी आवाज का जादू कुछ इस कदर स्टेज पर छा गया कि शो की जज अनीता राज की आंखों में उस पुराने दौर को याद करते हुए आंसू ही आ गए। इस परफॉर्मेंस के दौरान जब पवनदीप ने जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन की जगह देखे ये जीवन गाना गाया और जैसे ही उनको अपनी गलती का एहसास हो गया वो तुरंत वहीं रुक गए। हालांकि बाद में शो की दमदार कंटेस्टेंट साइली कामले ने उनकी मदद की, उनके गाने के बोल गाकर उनकी मदद की और याद दिलाया। और बाद में अनुनीता ने भी पवनदीप को समझाया कि वो हार नहीं मान सकते। उनको इस तरह से अपना परफॉर्मेंस अधूरा देख षणमुख प्रिया के साथ साथ सभी कंटेस्टेंट चौंक गए। शो की तरफ से शेयर किए गए इस वीडियो में हम देख सकते हैं केवल कंटेस्टेंट ही नहीं, हिमेश रेशमिया से लेकर अनीता राज, अनु मलिक, सभी लोग स्टेज पर जो हुआ उसे देख कर दंग रह गए। पवनदीप को फिर एक बार मंच पर गाने का मौका दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी तारीफ करते हुए धर्मेंद्र ने उन्हें खास उनके घर से आए हुए पराठे भी खिलाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वन टेक गाने पर जज किए जाने वाले इस रियलिटी शो में मिला हुआ दूसरा मौका और दुर्भाग्य से हुई गलती पवनदीप को जनता के दरबार में भारी पड़ेगी।